हेलो स्कॉलर्स वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम आज हम आप लोग का थर्टीन नीट डी टी ज़ीरो फाइव का पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर आपका फोर्थ अक्टूबर संडे को हुआ है इसमें फिजिक्स पार्ट में टोटल फोर्टी फाइव क्वेश्चन हैं जो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हैं इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन वेरी ईजी हैं केवल कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं नो बिफोर हम लोग ये पेपर डिस्कस करें आई होप कि आप लोगों ने अपने से पेपर सॉल्व किया होगा पेपर अटैम्प्ट किया है इफ आपने पेपर अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले खुद से कर लीजिए देन आप सोल्यूशन देखिए तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है फर्स्ट क्वेश्चन है टू इक्वल एंड लाइक चार्जेस वेन प्लेस्ड फाइव सेंटीमीटर अपार्ट एक्सपीरियंस अव फोर्स ऑफ जीरो पॉइंट वन फोर फोर न्यूटन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन माइक्रोकुल तो बहुत ही आसान है कुलम फोर्स का क्वेश्चन है इक्वल एंड लाइक चार्जेज हैं तो रिपेल करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दैट इज द कुलम फोर्स सो जीरो पॉइंट वन फोर फोर इक्वल्स नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आर क्या होगा आपका फाइव सेंटीमीटर सो ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर ऐसा हो गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन फोर फोर इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन यहाँ पे आप देखेंगे वन फोर्टी फोर जो है टेन टू पावर माइनस थ्री होगा सो टेन टू द पावर माइनस सेवन डिवाइडेड बाई टेन टू द पावर नाइन ऐसा सो Q स्क्वायर आपका आ गया कितना वन फोर्टी फोर इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन क्या हो जाएगा टेन टू द पावर माइनस सिक्सटीन ऐसे माइनस सिक्स लिखा है हमने ये माइनस सिक्सटीन होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया सिंपली हमने पुट कर दिया F की वैल्यू 0.14 K की वैल्यू नाइन इंटू ट्वेंटी वन नाइन क्यू स्क्वायर वैसे ही पुट कर दिया R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पुट की तो ये इतना हो गया Q को हमने यहीं इधर ले आए और बाकी सबको एक साइड में कर दिया तो 144 फोर फोर इंटू टेन पावर माइनस थ्री लिख सकते हैं हम इसको तो माइनस थ्री और माइनस फोर माइनस सेवन हो गए मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई नाइन इंटू टेन पावर नाइन ऐसा तो यहाँ से क्यू की वैल्यू ना दोनों साइड में अंडर रूट कर दें तो ये 144 का अंडर रूट हो जाएगा 12, 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5 एंड टेन पावर माइनस सिक्सटीन और 9 का अंडर रूट हो जाएगा थ्री तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू ट्वेल्व इंटू फाइव डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस ऑफ एट सो Q विल बी इक्वल टू थ्री फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टें माइनस एट जिसको हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट टू इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स कुलम सो जीरो पॉइंट टू इंटू टेंट पावर माइनस सिक्स कुलम तो टेंट पावर माइनस सिक्स क्या होता है माइक्रो होता है तो जीरो पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी माइनस सिक्स तो जीरो पॉइंट टू माइक्रोकुल विच इज ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट चॉइस सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपको जस्ट फार्मूला में पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर टू टू आइडेंटिकल मेटालिक मेटालिक्सर्स आर चार्ज विथ टेन एंड माइनस ट्वेंटी कितनी है हमको पता नहीं इफ बोथ द दस आर फर्स्ट ब्रॉट इन टू कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड देन प्लेस टू देयर प्रीवियस पोजिशन देन द रेशियो ऑफ द फोर्स इन द टू सिचुएशंस विल बी आई थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आप लोग के मॉड्यूल में दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा कि भाई शुरू में जब 10 यूनिट और माइनस ट्वेंटी यूनिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप एफ वन इनिशियल के टाइम्स टेन माइनस ट्वेंटी डिवाइडेड बाई लेटस डिस्टेंस टू बी आर स्क्वायर ये हो गया फोर्स और जब आप इन दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा भाई अभी देखिए एक पे ट्वेंट टेन है दूसरे पे माइनस ट्वेंटी है एंड जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या होगा पोटेंशियल इक्वल होने के लिए क्योंकि ये जो स्फेयर हैं वो आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल मेटालिक फेयर्स हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है टेन एंड माइनस ट्वेंटी तो टोटल चार्ज है माइनस टेन यूनिट्स तो जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो जो माइनस टेन यूनिट टोटल चार्ज है वो दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अब क्या होगा फाइनली आफ्टर कॉन्टेक्ट में लाएं हम वो एक पे माइनस फाइव खुला माइनस फाइव यूनिट्स और दूसरे पे भी माइनस फाइव यूनिट्स टोटल चार्ज हो जाएगा क्योंकि जो दो मेटालिक स्फेयर्स को हम कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो उनके पोटेंशियल क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं और सिंस पोटेंशियल इक्वल है रेडियस सेम है तो चार्जेस भी दोनों पे क्या होंगे सेम होंगे तो ये जो माइनस टेन यूनिट्स टोटल चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो सेकेंड केस में आफ्टर कॉन्टैक्ट में लाने के बाद जब सेपरेट कर रहे हैं तो सेकेंड केस में फोर्स क्या होगा के टाइम्स अब दोनों पे चार्ज कितना है माइनस फाइव यूनिट्स एंड माइनस फाइव यूनिट्स नॉट ट्वेंटी फाइव फाइव यूनिट्स डिवाइडेड बाई डिस्टेंस वापस से ओरिजिनल डिस्टेंस तो एस तो एफ टू कितना हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और एफ वन आपका कितना था माइनस टू हंड्रेड के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अब आपको बताना क्या है बताना है एफ वन बाई एफ टू सो एफ वन बाई एफ टू आपका के कैंसिल हो जाएगा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव विच इज माइनस एट बाई वन सो एफ वन बाई एफ टू इनिशियल फोर्स और फाइनल फोर्स माइनस एट बाई वन तो यहां से आप यह भी बता सकते हैं कि इनिशियली फोर्स अट्रैक्टिव था और फाइनली फोर्स रिपल्सिव होगा क्योंकि इनिशियली एक पे प्लस चार्ज था दूसरे पे माइनस था और फाइनली दोनों पे माइनस चार्ज है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रॉड नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर ओके द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ट गिवेन बाई ठीक है भाई तो एक पॉइंट चार्ज है और ये पॉइंट चार्ज क्या है पॉजिटिव है तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है तो भाई ये चार ऑप्शन है चारों में से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही है बहुत अच्छी बात है उसके बाद ये है कि जो स्फेयर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल लेटस से ये आपका मेटालिक स्फेयर है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी ऐसे तो इस के अंदर आपके कोई फील्ड नहीं हो सकती देयर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ मेटालिक फेयर तो भाई चारों ऑप्शन में नहीं है ठीक है बहुत अच्छी बात है लेकिन यहां पे फील्ड ऐसे कर्व वो हो के आएगी और यहां से फिर से फील्ड ऐसे ही आपकी एग्जिट हो जाएगी लाइक दिस सो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिस वे में बिहेव करेगा जो कि ऑप्शन नंबर वन है ऑप्शन नंबर वन और ऑप्शन नंबर टू में एक स्लाइड डिफरेंस है ऑप्शन नंबर वन और टू में स्लाइड डिफरेंस है क्या ऑप्शन नंबर वन तो ऐसा है बट ऑप्शन नंबर टू में ये डायरेक्शन रिवर्स कर दिया है मतलब इधर से भी फील्ड इंटर कर रही है फेयर में और इधर से भी इंटर कर रही है ऐसा नहीं होता जब आप एक मेटालिक फेयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक डायरेक्शन से फील्ड इंटर करती हुई दिखेगी दूसरे डायरेक्शन से एग्जिट करती हुई दिखेगी और बीच में कोई भी फील्ड नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट चॉइस इज इन क्वेश्चन नंबर थ्री अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इक्वी पोटेंशियल लाइन ऑफ अ डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस एंड स्मॉल सेपरेशन वी ऑल नो दैट डाइपोल क्या होता है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में इलेक्ट्रिक डायपोल एक है लेटेस्ट ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक आईपोल यहाँ पे माइनस क्यू हो गया और यहाँ पे प्लस क्यू हो गया अब पूछ रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल लाइन्स कैसे होंगी तो भाई एक यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे ज़ीरो पोटेंशियल हो जाएगा इसकी वजह से माइनस इसकी वजह से प्लस ज़ीरो पोटेंशियल सो so क्या बोलेंगे भाई कि इक्वी पोटेंशियल यहाँ पर आपका एक इक्वी पोटेंशियल प्लेन आएगा ऐसे और इसके अराउंड आपकी ऐसे इक्वी पोटेंशियल लाइन्स आ जाएंगी तो ये आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा होगा इक्वी पोटेंशियल लाइन्स फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे आती हैं दिस वे में आती हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर फोर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर वन देखिए सीधे सीधे गलत है क्यों क्योंकि ऑप्शन नंबर वन में वो क्रॉस कर रहे हैं क्रॉस तो कर नहीं सकते ऑप्शन नंबर टू में वो फील्ड यूनिफॉर्म है डायपोल की वजह से फील्ड यूनिफॉर्म होती नहीं है ऑप्शन नंबर थ्री में भी आपका वो एक तरफ से बढ़ रहा है वो भी गलत है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्वी पोटेंशियल लाइन्स ऑफ अ डाइपोल यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फाइव दैट वेन नेगेटिव चार्ज इज रिलीज एंड इट मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स टूवर्ड्स अ पोजिशन ऑफ ठीक है भाई तो चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनाते हैं अस से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज को हमने रिलीज कर दिया अब आपको पता है कि जो इलेक्ट निगेटिव चार्ज होता है वो अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है नेगेटिव चार्ज मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव चार्ज से और इंटर करती है नेगेटिव चार्ज पे और यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा ऐसे तो अब ये कैसे मूव करेगा ऑप्शन नंबर 1 टुवर्ड्स पोजिशन ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी तो भाई ये किधर मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज की तरफ और पॉजिटिव चार्ज की तरफ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता है कम नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन मूव टूअर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बट लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाई बिकॉज जब भी कोई बॉडी फ्रीली मूव करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए तो आपका ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर थर्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स अ पोजीशन ऑफ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल एनर्जी सो ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट चॉइस तो जब भी आपको डाउट हो कि कोई चार्ज पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा आप क्या कर सकते हैं कि ये अज्यूम कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है और यहां पे आप अपना चार्ज रख दीजिए तो यदि दी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इधर रिपल करेंगे इधर अट्रैक्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाएगा निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट होगा उधर जाएगा ऐसे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका यहां पे एक क्यूबाइड बना हुआ है क्यूब लाइक दिस अस ट्राई टू ड्रॉ द क्यूब सी इफ यू कैन गेट इट राइट आई थिंक दैट गुड इनफे सो एक क्यूब दिया हुआ है इसमें सब पे एक, एक चार्ज है यहाँ पे आपका माइनस क्यू है यहां पर प्लस क्यू है यहाँ पे फिर से माइनस क्यू है यहाँ पे फिर से प्लस क्यू है यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू सारे कॉर्नर्स हो गए हाँ सारे हो गए तो एक क्यूब दिया हुआ है जिसके एट कॉर्नर्स पे एट चार्जेस रखे हुए हैं चार्जेस प्लस क्यू आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए एज शोन इन द फिगर द वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज टू इनफाइनाइट डिस्टेंस विल बी नाउ तो भाई वर्क डन करना है तो भाई अभी जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इस सिस्टम की उसको हमको जीरो करना पड़ेगा तभी जाके वो वर्क डन होगा तो भाई हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और उसको हम माइनस कर दें वही हमारा वर्क डन करना पड़ेगा तो सबसे पहले लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम नाउ पोटेंशियल एनर्जी नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इफ दो चार्जेस हैं दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है के क्यू वन क्यू टू डिडेड बाई आर ना इफ ये स्क्वायर को देखें ना यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो माइनस क्यू माइनस क्यू ना माइनस क्यू माइनस क्यू पोटेंशियल जी आपकी क्या होगी के ध्यान से देखिए एक माइनस क्यू प्लस क्यू 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 सेम सो आप किसी भी एक साइड को ले लीजिए इस क्यूब के सब में एक तरफ माइनस क्यू है दूसरे तरफ प्लस क्यू है और टोटल कितने साइड्स हैं फोर एट एंड फोर ट्वेल्व सो टोटल ट्वेल्व साइट है और हर साइड के लिए एक सिस्टम ऑफ चार्ज है तो सबसे पहले क्या लिखें k टाइम्स माइनस क्यू प्लस क्यू सो माइनस ऑफ q स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइड लेंथ साइड कितना दिया हुआ है लेंथ साइड आपका a दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाई a ये हो गया हर एक आर्म के लिए मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व तो ये हो गया हर आम के लिए अब डायगोनल्स की बात करते हैं डायगोनल्स कितने हैं एक डायगोनल, एक डायगोनल, दो और हर फेस के लिए दो डायगोनल। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे कितने हैं वही चार साइड वाले एक ऊपर एक नीचे टोटल नंबर ऑफ सिक्स फेसेस हैं और हर फेस के लिए दो डायगोनल है तो टोटल नंबर ऑफ ट्वेल्व सिस्टम ऑफ चार्जेस हो गए सो के टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 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 यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस सब तो क्या लेंगे के टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है रूट टू ए मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व ये हो गया अभी भी कुछ बचा हुआ है एक क्यूब में एक डायगोनल ऐसा भी होता है फॉर एग्जाम्पल एक रूम है तो एक ये नीचे वाला डायगोनल नीचे वाले कॉर्नर से लेके वो ऊपर वाले कॉर्नर तक एक डायगोनल ऐसा भी होता है मतलब इस कॉर्नर से यहाँ हम मेजर करें तो यहाँ के कॉर्नर तक तो एक डायगोनल ऐसा भी होगा तो ऐसे डायगोनल में हमारा क्या आएगा एक पे माइनस चार्ज आएगा और दूसरे पे प्लस चार्ज आएगा तो क्या लिखेंगे प्लस ऑफ के टाइम्स माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई और ऐसे डायगोनल की लेंथ क्या होगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो रूट थ्री टाइम्स ए और ऐसे कितने डायगोनल मिलेंगे आपको दो मल्टीप्लाइड बाय टू चलिए कॉमन लेते हैं कॉमन क्या आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए के क्यू स्क्वायर बाई ए के क्यू स्क्वायर बाई ए हर जगह कॉमन है तो के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेते हैं के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन हो गया यहाँ पर ट्वेल्व है यहाँ पर ट्वेल्व है और यहाँ पर टू है तो टू कॉमन ले सकते हैं सो मल्टीप्लाइड बाई टू अब ब्रैकेट में बसता क्या है देखते हैं ब्रैकेट में बसता है आपका यहाँ पे माइनस ऑफ सिक्स यहाँ पे क्या बसता है टू कॉमन हमने ले लिया है तो सिक्स बाई रूट टू और सिक्स बाई रूट टू क्या होता है आपका थ्री रूट टू होता है प्लस थ्री रूट टू और यहाँ पे टू हमने कॉमन ले लिया है प्लस वन बाई रूट थ्री ये इतना आ गया अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे अब हम ये भी कर सकते हैं यहाँ पे माइनस टू आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन ना ये आंसर हमारा आ गया लेकिन ऑप्शन में आपका जो दिया हुआ है वो दूसरे तरह से दिया हुआ है ऑप्शन में दिया हुआ है फोर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए रूट सिक्स तो यहाँ पे हम उसको उस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस फॉर्म में आपका आंसर में दिया हुआ है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इफ़ हम यहाँ पे टू कॉमन ले लें एक और तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर माइनस टू कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा माइनस फोर के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस टू हमने कॉमन ले लिया है ये हो जाएगा माइनस थ्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ थ्री रूट टू तो यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं हम माइनस थ्री बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट थ्री और यहाँ पे टू कॉमन ले रहे हैं तो टू तो आपको करना कुछ नहीं है आपको जो आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड उसके फॉर्म में लिख देना है वो आ जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है उसको आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है उसके फॉर्म में लिख दीजिए वो आपका आंसर है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए लेकिन रिमेंबर ये आपका क्या है ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है और जो वर्क डन होगा वर्क डन वर्क डन आपका माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि आपको टोटल एनर्जी को जीरो करना है जितनी एनर्जी अभी है उसको टोटल ज़ीरो करना है तो वर्क डन आपका अपोजिट होना चाहिए तो वर्क डन माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा करंट इन ऑर्डर टू टेक ईच एंड एवरी पार्टिकल टू इनफानेट डिस्टेंस ये याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दिया हुआ है न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फेयर प्लेस्ड इन एन ऑन इंसुलेटेड स्टैंड एक इंसुलेटेड स्टैंड है एक इंसुलेटेड स्टैंड है उसके ऊपर न्यूट्रल फेयर रखा हुआ है और ये स्फेयर कंडक्टिंग है ठीक है भाई नाउ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड साइड दर तो फेयर के आउटसाइड एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखते हैं द नेट चार्ज ऑन द स्फेयर इज तो स्फेयर आपका पहले न्यूट्रल था और कंडक्टिंग है तो so, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से क्या होगा कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे तो यहाँ पे आपके माइनस चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे प्लस चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे बट जो स्फेयर है वो ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल ही रहेगा स्फेयर आपका चार्ज नहीं हो जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पे ये क्या है इंसुलेटेड है ना ये इंसुलेटेड है तो यहाँ पे ये इंसुलेटेड है ये तो आपका जो पोल है इंसुलेटेड स्टैंड तो इंसुलेटेड स्टैंड है तो ये स्फेयर आपके टोटल चार्ज नहीं हो सकता क्या हो सकता है उसका चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो क्या बोलेंगे ऑप्शन ऑप्शन नंबर फोर क्या दिया हुआ है आपका ये द नेट चार्ज ऑन द दिसर इज सो नेट चार्ज ऑन द विल रिमेन जीरो क्योंकि पहले भी जीरो था अभी भी जीरो है देखिए लिखा हुआ है अ न्यूट्रल कंडक्टिंग तो पहले जीरो अभी भी जीरो तो यहां पे क्या हो जाएगा नेट चार्ज क्यू नेट पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा केवल क्या फर्क पड़ेगा वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑप्शन नंबर फोर इज द करेक्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर एट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में क्या दिया हुआ है कि इफ मास लेंथ इज द टाइम एंड ए इज द इलेक्ट्रिक करेंट देन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम विल ई नॉट विल बी तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए क्या होता है भाई फोर्स कुलम फोर्स क्या होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलान नॉट इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर तो एप्सीलॉन नॉट क्या होगा एप्सिलान नॉट हो जाएगा आपका वन बाई फोर पाई इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ टाइम्स आर स्क्वायर ऐसा चलिए देखते हैं क्या होता है तो इफ हमको डायमेंशनल लिख डायमेंशनल फार्मूला लिखना है फोर पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है तो क्यू क्यू क्या होता है कुलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स फोर्स क्या होता है के जी मल्टीप्लाइड बाई मीटर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड पावर माइनस टू ऐसा इंटू आर स्क्वायर आर हो गया आपका मीटर स्क्वायर लाइक दिस ला अब हम क्या करें हमको करंट चाहिए तो यहाँ सबसे पहले तो क्या करें क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जी मल्टीप्लाइड बाई मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड पावर माइनस टू तो हमको करंट के लिए क्यू बाई टाइम चाहिए लेकिन यहाँ करंट एस पावर माइनस टू है क्यूब एस पावर माइनस टू सेकेंड पावर माइनस टू लेकिन हमको यहाँ सेकेंड पावर प्लस टू चाहिए हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एस पावर फोर एस इज़ द सेकेंड तो यहाँ से क्या हो जाएगा के जी के जी को क्या लिखेंगे मास पावर माइनस वन मीटर क्यूब एल टू द पावर माइनस थ्री यहाँ क्यू स्क्वायर है यहाँ माइनस टू प्लस फोर एस स्क्वायर हो जाएगा तो करेंट तो करेंट हो जाएगा ए पावर माइ प्लस टू और यहाँ एस एस इज़ द टाइम तो टाइम हो जाएगा आपका टी पावर फोर तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट एम टू द पावर माइनस वन एल टू द पावर माइनस थ्री a is square a is the current t power 4 t is the time option number 2 is your correct choice so let us solve next question that is question number 9 what is question number 9 an electric dipole is placed at an angle of 30 degree to a non-uniform electric field electric field is non-uniform so question number 9 so in a uniform electric field the dipole experiences torque but no force टल फोर्स इज जीरो बट इन केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक होना चाहिए आपने पढ़ा होगा तो वेन एवर इन अन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्लेस चाहे आप जिस एंगल पे रखिए तो टॉर्क भी लगेगा और ट्रांजेशनल फोर्स भी लगेगा टॉर्क एज वेल एज ट्रांसलेसनल ट्रांसलेसनल फोर्स बोथ विल ऑपरेट सो ऑप्शन नंबर थ्री इज योर करेक्ट चॉइस ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन है इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर थ्री इज योर करेक्ट चॉइस आंसर इज थ्री करेक्ट क्वेश्चन नंबर टेन आते हैं देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर टेन में क्वेश्चन नंबर टेन में अगेन आपका एक यहाँ पे क्यूब बना हुआ है चार्ज प्लेस्ड क्यू एट द सेंटर ओ ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल तो चलिए कोशिश करते हैं क्यूब बनाने की आपका ये आपका क्यूब हो गया एक चार्ज रखा हुआ है आपके सेंटर पे क्यू और दूसरा चार्ज इससे आके इधर पे आपका बाहर रखा हुआ है क्यू और ये साइड दी हुई है ए बी सी D, ई एफ जी एच लाइक दिस क्या पूछ रहे हैं अनदर सेम चार्ज क्यू इज़ प्लेसड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम ओ देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी इज नाउ ये क्यू है ये ए बी सी डी है नाउ यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो दोनों चार्ज हैं इनके बीच की जो कनेक्टिंग लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी है एंड वो इक्वी डिस्टेंस है मीनिंग ए बी सी डी जो फेस ऑफ योर क्यूब है उससे ये दोनों चार्ज इक्वी डिस्टेंस है और लाइन ज्वाइनिंग देम इज परपेंडिकुलर टू द एबीसीडी फेस ऑफ द क्यूब ना एक चार्ज अंदर है एक चार्ज बाहर है दोनों सेम चार्ज हैं तो आप यह बोल सकते हैं कि भाई जब दो चार्ज होते हैं सेम क्यू क्यू तो एबीसीडी क्या है इन दोनों को परपेंडिकुलर ऐसे कट कर रहा है लाइक दिस सो ए बी सी डी इज योर इक्विटोरियल प्लेन ए बी सी डी के हर पॉइंट पे आपका जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो होगा तो यहाँ से सेम सेम चार्ज ज़ीरो पोटेंशियल एवरीवेयर मीनिंग हम ए बी सी डी प्लेन के किसी भी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमको जानना हो तो वो कितनी होगी ज़ीरो क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे ए बी सी डी के हर पॉइंट पर और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे So A, B, C, के किसी भी एक पॉइंट पे कोई फील्ड नहीं है सारी फील्ड जीरो है तो फ्लक्स कितना होगा फ्लक्स भी जीरो होगा फ्लक्स क्या होता है फ्लक्स नथिंग बट फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया होता है और फ्लक्स आपका फील्ड जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो होगा तो आप यहां से बोल सकते हैं कि फ्लक्स आपका फाइव से लिख दीजिए जो कि क्या होगा जीरो होगा सो so आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू इज योर करेक्ट चॉइस ना क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है बट करने में बहुत आसान है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फ्लक्स क्या होता है फील्ड इंटू एरिया होता है और जब सारी फील्ड ज़ीरो हो गई तो फ्लक्स भी जीरो हो गया आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में क्या दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट तो आपके यहाँ पे तीन चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज वेरीज एड आर टू द पावर माइनस टू इंस्टीड ऑफ आर टू द पावर माइनस टू देन द गोस लॉ विल स्टिल बी वैलिड नो गॉस लॉ को हम प्रूफ ही ऐसे करते हैं आपका कुलम्ब कुलम लॉ को अज्यूम करके कि वो ट्रू है तो कुलम लॉ को यदि आप गलत बता रहे हो तो गौस लॉ भी वो ट्रू नहीं होगा ऑप्शन नंबर थ्री है आपका इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज जीरो समवेयर साइन ऑफ टू चार्जेस इज सेम तो भाई देखो क्या है यहां पर लेटर से क्यू वन लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं क्यू टू अब इफ दोनों सेम है मान मा लीजिए कि दोनों प्लस है तो लेटर से दिस पॉइंट दिस पॉइंट पे क्यू वन की वजह से फील्ड होगी दिस डायरेक्शन में क्यू टू की वजह से फील्ड होगी दिस डायरेक्शन में और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे इफ वो, अपोजिट साइन होंगे लेट अस कि क्यू वन आपका पॉजिटिव है और क्यू टू निगेटिव है तो क्यू वन की वजह से फील्ड इधर और क्यू टू की वजह से भी फील्ड सेम डायरेक्शन तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे सो टू पॉइंट चार्जेस के बीच में एट एनी पॉइंट इन बिटवीन टू चार्जेस फील्ड तभी जीरो हो सकती है जब दोनों चार्जेस का साइन क्या हो सेम हो चाहे दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री विल बी योर करेक्ट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में क्या दिया हुआ है कंसिडर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस क्यू बाई थ्री क्यू बाई थ्री एंड माइनस टू क्यू बाई थ्री प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर टेक ओ टू बी देंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड एंगल सी ए बी टू बी सिक्सटी डिग्री ये एंगल आपका सिक्सटी डिग्री है देन वो पूछ रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फोर ऑप्शन हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज क्यू डिवाइडेड बाई एट पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डायरेक्टेड अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सेस तो भाई ये क्यू बाई थ्री ये क्यू बाई थ्री तो यहां पे इन दोनों की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि मिडल में है सेम चार्जेस के बीच में और माइनस टू क्यू थ्री की वजह से क्या होगा ये एक्स एक्सेस आपका यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है ये एक्स एक्सेस है माइनस टू क्यू की वजह से जो फील्ड होगा वो सेम इस डायरेक्शन में होगा दैट इज ट्रू बट कितना होगा कितना होगा भाई वन बाई फोर पाई एप्सिला नॉट इंटू के इंटू क्यू क्यू कितना है माइनस टू क्यू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर विच इज़ डेफिनेटली नॉट इक्वल टू वॉट इज गिवन इन योर ऑप्शन नंबर ए सो ऑप्शन नंबर ए इज़ गलत क्वेश्चन नंबर टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो ये सिस्टम इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी. विच इज़ ऑब्वियसली नॉट जीरो सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग थर्ड ऑप्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द चार्ज एट सी एंड बी इज सी और बी ये आपका सी पॉइंट है यहाँ पे आपका बी पॉइंट है दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड बताना है हमको नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स यहाँ पे माइनस टू क्यू बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई क्यू बाई थ्री सो माइनस ऑफ ट्वाइस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई नाइन Multiplied by 1 by distance square, A distance. This distance will be how much? AB is twice R. This is 60. So this will be 30. Because in a semicircle, this angle is always 90. So this is 60, this is 30, this is 2R. So CB can be written as 2R cos 30. So CB can be written as 2R cos 30. So 2R into root 3 by 2, which will be R root 3. स्क्वायर कर दीजिए सो थ्री आर स्क्वायर सो सी बी स्क्वायर इज थ्री आर स्क्वायर सॉल्व करते हैं इसको माइनस ऑफ टू क्यू स्क्वायर सो माइनस टू को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे टू हो जाएगा नाइन इंटू टू एटीन इंटू थ्री फिफ्टी फोर सो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिफ्टी फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Which is same as given in option number three, so option number three is your correct choice. So third option is the correct. That force between magnitude of force between C and B charges is Q square divided by 54 pi epsilon naught R square. Remember, they are saying magnitude. So in the magnitude, we have ignored the minus sign here because they are just asking magnitude. So option number three is correct in question number twelve. लेट लेटस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज थ्री लार्ज पैरल प्लेट्स हैव यूनिफॉर्म स्पेस चार्ज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज एज शोन इन द फिगर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी की बात हो रही है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है तो लार्ज प्लेट्स हैं ठीक है भाई लार्ज प्लेट्स यहाँ पे आपका सिग्मा चार्ज है माइनस यहाँ पे माइनस टू सिग्मा, और यहाँ पे प्लस सिग्मा। नाउ किस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे पॉइंट पी है इसकी बात हो रही है नाउ लार्ज प्लेट्स की केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता है आपने पढ़ा होगा और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता मीनिंग इफ वी हैव अ लार्ज प्लेट सो यूनिफॉर्म फील्ड होगी आप चाहे जितने डिस्टेंस पे लीजिए फील्ड आपकी यूनिफॉर्म ही होती है सो so, ऐसे केस में हम क्या लिखेंगे ऐसे केस में हम एक प्लेट की वजह से फील्ड क्या लिख सकते हैं फील्ड ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसकी वजह से फील्ड नीचे की तरफ आएगी ये निगेटिव है तो इसकी वजह से भी नीचे की तरफ ये भी निगेटिव है तो इसकी फील्ड भी, तो भी नीचे ही आएगी ये पॉइंट में सो एट पॉइंट पी फील्ड ड्यू टू ऑल दीज थ्री प्लेट्स कैन बी एडेड इन द सेम डायरेक्शन सो इस प्लेट का फील्ड कितना होगा सिगमा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका कितना होगा टॉइस सिगमा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस इसका कितना होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सो टोटल फील्ड टोटल फील्ड आपकी हो जाएगी नो आपका ये थ्री लार्ज पैरल प्लेट्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्फेस तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट लाइक दिस सो ये आपका हो जाएगा टू थ्री फोर फोर सिग्मा डिवाइडेड बाई ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट तो ये हो गया ट्वाइस सिग्मा डिवाइडेड बाई एपसिलॉन नॉट नाउ ये जस्ट मैग्नीट्यूड है किस डायरेक्शन में जाएगा ये ध्यान से देखना आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट वर्टिकल डायरेक्शन इज प्लस के कैप और हमारी फील्ड किधर जा रही है नीचे तो यह हम कहां लिख सकते हैं माइनस के कैप डायरेक्शन में सो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट चॉइस दैट फील्ड विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन एंड हाउ मच दिस मच इस क्वेश्चन में आपको दो चीज ध्यान रखने number one, कि large plate की जरूरत है नंबर वन की लार्ज प्लेट की वजह से जो फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है नंबर टू आप डिस्टेंस भले ही चेंज कर दीजिए आपका फील्ड का जो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ लार्ज यूनिफॉर्म प्लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम प्लेट सो फॉर ऑल दीज थ्री प्लेट्स फील्ड आप डायरेक्टली लिख सकते हो डिस्टेंस डज नॉट मैटर डिस्टेंस उन्होंने दिया हुआ है जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन नंबर फोर्टीनथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में दिया कंसिडर द चार्ज कन्फिग्रेशन ऑफ अ स्फेरिकल चार्ज कन्फिग्रेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस एज शोन इन द फिगर तो यहाँ पे एक स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस उन्होंने दिखाया हुआ है ऐसे यहाँ पे प्लस वन चार्ज है यहाँ पे माइनस वन चार्ज है और यहाँ पे q2 टू चार्ज है वेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सर्फेस द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू क्यू टू ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेज ड्यू टू ऑल द चार्जेज ड्यू टू प्लस क्यून एंड माइनस क्यून नो जो फ्लक्स होता है जो फ्लक्स होता है जो आप लिखते हो ई डॉट डी एस जो फ्लक्स होता है वो हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन साइड डिवाइडेड बाई एप्सिलोन नॉट तो यहाँ पे जो Q इनसाइड लेते हैं गॉस लॉक जो Q इन लेते हैं वो तो बस ये होगा बट जो फील्ड होती है वो ड्यू टू ऑल द चार्जेस होती है प्लस क्यू वन माइनस क्यू वन प्लस क्यू टू ऑल द चार्जेस सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है गॉस लॉ पे बेस्ड है सो so आपका ऑप्शन नंबर थ्री विल बी द करेक्ट चॉइस अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में दिया हुआ है आपका इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज फेयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू एंड रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर द ग्राफ विच वुड करस्पॉन्ड टू इट विल बी सो ऐसे केसेस में आपका ग्रेविटेशनल में भी सेम क्वेश्चन आता है और इसमें भी सेम क्वेश्चन आता है और दोनों जगह सेम थ्योरी वर्क करती है इन साइड इन साइड दर फील्ड आप कैसे लिख सकते हो के टाइम्स टोटल चार्ज क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय आर क्यू यह होती है फील्ड आपकी इन साइड द सॉलिड स्फेयर वेयर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिमेंबर चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट एक क्वेश्चन इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो स्फेयर होगा इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट स्फेयर कैन नॉट बी मेटालिक क्योंकि मेटालिक स्पेयर होगा तो उसके अंदर फील्ड होगी नहीं सो so, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो इन फील्ड इतनी होगी और आउटसाइड कितनी होगी आउटसाइड होगी के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर सो इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा फॉर एग्जाम्पल ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ये हो गया आपका फील्ड तो प्लॉट करेंगे तो अप टू सरफेस अप टू द सरफेस फील्ड आपकी यूनिफॉर्म जाएगी और आफ्टर द सरफेस फील्ड आपकी ऐसे आ जाएगी सो so, ये हो गया आपका विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन नंबर फोर्थ इज योर करेक्ट चॉइस दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ योर फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लेटस टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन दट इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर एंड चार्ज कैपिटल क्यू ओके दो तरह के चार्ज हैं तो चलिए एक स्क्वायर बनाते हैं चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर लाइक दिस स्मॉल क्यू लाइक दिस इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ऑन क्यू इज जीरो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन वन ऑफ द क्यूज इज जीरोन कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू ओके चलो ये साइड ए ले लेते हैं अब कैपिटल क्यू पे हमको टोटल फोर्स चाहिए तो टोटल फोर्स क्या होगा पहले ये डायगोनल वाला फोर्स लिख देते हैं k टाइम्स q स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस इसका फोर्स किधर आएगा मान लेते हैं कि चलो इधर आया और इसका फोर्स ऊपर ऐसे है तो ये क्या है नाइन्टी डिग्री टू इच इधर है तो क्या हो जाएगा k टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर दैट इज अ फोर्स ड्यू टू दिस एंड बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा रूट टू हो जाएगा टोटल इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं क्या बचता है कैपिटल क्यू बाई टू प्लस क्यू टाइम्स रूट टू इक्वल जीरो से आपको मिल गया कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू रूट टू सो दैट इज द रेशियो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट चॉइस कुछ नहीं किया हमने हमने जस्ट क्या कर दिया यहां पे टोटल फोर्स क्या होगा और वो टोटल फोर्स जीरो है उसको लिख के सॉल्व कर दिया हमको आंसर मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में दिया हुआ टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर द पोटेंशियल ऑफ टेन वोल्ट एंड माइनस फोर वोल्ट रेस्पेक्टिवली वर्क डन इन मूविंग हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू क्यू इज नाओ लेटस ड्रॉ दैट हियर इज द पॉइंट पी टेन वोल्ट एंड हियर इज द पॉइंट क्यू माइनस फोर वोल्ट नाउ वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन लेट अस सपोज कि यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो ऑन इट्स ओन वो किधर जाने की कोशिश करता है पॉजिटिव की तरफ लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो जबरदस्ती खींच के उधर ले जा रहे हो माइनस की तरफ तो यहां पे हमको यह देखना है कि भाई ये वर्क डन कितना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको फील्ड के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा ध्यान से देखिए सपोज फील्ड इज लाइक दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो इफ द फील्ड इज लाइक दिस एंड यू वॉन्ट टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रिक so, फील्ड का फोर्स कितना किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लगेगा लेकिन आपको उधर ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा तो यहां पे कितना आपका वर्क डन होगा वर्क डन इज नथिंग बट माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑन यहां पे क्यू लिख दो ऐसा सो माइनस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डोंट से Not 6 volt. Here it is plus 10, here it is minus 4. So potential difference is 14 volt. Or charge on the electron is how much? Minus of 1.6 into 10 to the power minus 19 Coulomb, like this. So total work done kitna 14 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So 14 into 1.6 is 4, 2. ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू टेंट द पावर माइनस नाइनटीन लाइक दिस दिस मच हंड्रेड इलेक्ट्रॉन्स से ये तो वन इलेक्ट्रॉन का हुआ ना तो मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कर दो ऐसा हो गया तो ये आपका आ गया टू पॉइंट टू फोर इधर ले आए माइनस एटीन हो गया और ये माइनस सिक्सटीन टें पावर माइनस सिक्सटीन जूल so work done in moving 100 electrons from 10 volt to minus 4 volt will be how much 2.24 into 10 to the power minus 16 joule which is option number 2 is your correct choice let us talk about next question that is your question number 18th what is question number 18th the potential at a point x measured in micrometer डू टू समार्जेस सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस इज गिवेन बाई पोटेंशियल आपका दिया हुआ है वी एक्स सो वी एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर दैट इज योर पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट एक्स इक्वल्स फोर माइक्रोमीटर विल बी सो व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में बी रिटर्न एज माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड सो लेट अस डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट करेंगे हम माइनस डी वी बाई डी एक्स क्या मिलेगा भाई माइनस ऑफ एक्स टू दी पावर इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना ध्यान से देखिए डी 20 को बाहर ले लेते हैं माइनस ऑफ ट्वेंटी हो जाएगा ये माइनस ट्वेंटी डी ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर पावर माइनस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स लाइक दिस इसको सॉल्व करिए माइनस ऑफ ट्वेंटी माइनस वन इधर आ जाएगा माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर टेन टू माइनस टू और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स हो जाएगा लाइक like दिस सो माइनस माइनस प्लस टू फोर्टी फोर्टी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर पावर माइनस टू दैट इज योर फील्ड नाउ न इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स फोर माइक्रोमीटर सो एक्स इक्वल्स फोर माइक्रोमीटर यहां पे एक्स इक्वल्स फोर माइक्रोमीटर की वैल्यू पुट कर दो देखो क्या आती सो फोर्टी इंटू फोर डिवाइडेड बाई फोर सिक्सटीन माइनस फोर विल बी ट्वेल्व और सिक्सटीन माइनस फोर विल बी ट्वेल्व एंड पावर टू लाइक दिस तो ये आपका हो जाएगा फोर इंटू थ्री फोर इंटू थ्री करेक्ट सो ये हो जाएगा आपका टेन बाई नाइन सो आपका हो जाएगा टेन बाई नाइन वोल्ट पर माइक्रोमीटर सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इक्वल्स फोर माइक्रोमीटर विल बी टेन बाई नाइन वोल्ट पर माइक्रोमीटर और ये किस डायरेक्शन में होगा इन विच डायरेक्शन रिमेंबर यहाँ पे हमारा जो आया ये आपका ऐसे है ठीक है, है तो ये आपका जो फील्ड है वो आपका प्लस डायरेक्शन में होगा इन द प्लस डायरेक्शन आपका पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है रिमेंबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो हियर दिस इज योर पोटेंशियल एंड एज आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्स फोर के बाद यहां पर क्या होगा जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा आपका पोटेंशियल क्या होगा कम होगा ना तो आप डायरेक्शन कैसे पता करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल होता है पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड सो पॉजिटिव डायरेक्शन में

क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में दिया है एन इलेक्ट्रिक चार्ज टेन टू द पावर दाइनस थ्री माइक्रोकुल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन जीरो जीरो ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पॉइंट्स ए एंड बी आर सिचुएटेड एट रूट टू कमा रूट टू एंड टू कमा जीरो रिस्पेक्टिवली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी विल बी सो सीधी सी बात है ए और बी पे हम पोटेंशियल निकाल लें और पोटेंशियल डिफरेंस बता दें तो व्हाट इज द पोटेंशियल के टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर नो दैट इज फील्ड आर इज योर पोटेंशियल ओके सो यहां पे आपका चार्ज है टेन टू द पावर माइनस थ्री माइक्रोकुलम सो टेन टू द पावर माइनस थ्री माइक्रोकुलम आपका चार्ज है तो हम क्या लिखेंगे भाई के टेन टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई न आपका दिया हुआ है जीरो जीरो पे है और वो रूट टू कॉमर रूट टू पे जा रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका डिस्टेंस जीरो जीरो से रूट टू कॉमर रूट टू के बीच का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट ऑफ रूट टू स्क्वायर रूट टू स्क्वायर विच इज फोर अंडर रूट विच इज टू सो टू लाइक दिस सेकेंड केस में क्या लिखेंगे के टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू कमा जीरो सो दैट ऑल्सो डिस्टेंस इज टू सो इफ द पोटेंशियल इज सेम एट बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स देन वॉट वुड बी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जीरो सो हियर आपको बस यही देखना है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है जो दोनों पॉइंट हैं वो आपके चार्ज से क्या है इक्वी डिस्टेंस

क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में क्या दिया हुआ है एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे ऐसा लेट अस ट्राई ठीक है चलेगा एक स्क्वायर है यहाँ पे क्यू है यहाँ पे भी क्यू है यहाँ पे माइनस क्यू है यहाँ पे भी माइनस क्यू है ए बी सी डी नाउ फोर चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन वक्वायर शोन लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी इज द पोटेंशियल एट देंटर ऑफ द स्क्वायर इफ द चार्जेस ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विथ दो ऑन डी एंड सी देन रेस्पेक्टिवलीन नाउ शुरू में क्या होगा भाई इन दोनों की वजह से फील्ड ओ पे किधर आएगा नीचे की तरफ आएगा और ये दोनों की वजह से भी किधर आएगा नीचे की तरफ ही आएगा सो इनिशियली फील्ड विल बी इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन एन सेंस ये प्लस है ये माइनस है दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को सेंटर पर कैंसिल करेंगे ये प्लस है ये माइनस है दोनों एक दूसरे के पोटेंशियल को सेंटर पर कैंसिल करेंगे सो इनिशियली पोटेंशियल विल बी ज़ीरो एट देंटर इफ द charges आर interchanged, इफ द charges ऑन ए एंड बी आर इंटरचेंज विद दोज ऑन डी एंड सी सो ए को डी पे ले आए और बी वाले को सी पे ले आए तो यहाँ पे माइनस था इसको प्लस कर दो यहाँ पे प्लस था इसको माइनस कर दो तो ये क्या हो गया रिवर्स हो गया उल्टा हो गया तो अब क्या हो जाएगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर हो जाएगी बट पोटेंशियल विल स्टिल भी ज़ीरो सो इफ इंटरचेंज करने के बाद क्या हो रहा है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा बट पोटेंशियल विल स्टिल रिमेन जीरो सो आपका आंसर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी इवन दो मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन इज चेंजिंग सो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस बट पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज वाई पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो है तो अनचेंज सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द correct choice let us talk about next question that is question number 21 question number 21 there is a triangle like this here it is q charge it is twice a distance here it is twice q charge here it is again q charge and it is a distance they are asking magnitude of force ऑन क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज विल बी ये जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है तो अच्छी बात है भाई देखते हैं कैसे आएगा सो so, ये प्लस है यह माइनस है तो so, इसकी वजह से अट्रैक्शन होगा सो so, इस डायरेक्शन में ये प्लस ये माइनस अट्रैक्शन होगा अपॉर्ड डायरेक्शन मीनिंग ये आपका एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है सो so, जो चार्ज होगा प्लस आई एंड जो फोर्स होगा वो प्लस आई एंड प्लस जे डायरेक्शन में होगा सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है केवल फोर्थ ऑप्शन है जिसमें जो फोर्स है वो प्लस आई एंड प्लस जे डायरेक्शन में सो so, आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट चॉइस बट इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व देन इट इज वेरी इजी के टाइम्स माइनस ऑफ टू क्यू स्क्वायर ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस है डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर ये आई कैप में हो गया और इसका क्या होगा जे कैप में होगा क्या आएगा के टाइम्स प्लस के टाइम्स क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर जे कैप ये भी सही है लेकिन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली डायरेक्शन के बेसिस पे फोर्थ ऑप्शन को करेक्ट लगा के आगे बढ़ सकते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या दिया हुआ है टू आइडेंटिकल मेटल बॉल्स विथ चार्ज प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस एंड एग्जर्ट अ फोर्स एफ ऑन ईच इधर दे आर ज्वाइंट बाई अ कंडक्टिंग वायर विच इज देन रिमूव्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम विल नाउ बी ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही था क्या है शुरू में फोर्स कितना होगा शुरू में फोर्स होगा होगा के टाइम्स ट्वाइस क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर स्क्वायर ये हो गया फोर्स बट जब आप इन दोनों स्फेयर्स को कंडक्टिंग वायर से अटैच करेंगे आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं ऐसे कंडक्टिंग वायर से अटैच कर दिया पहले कितना था प्लस टू क्यू एंड माइनस क्यू एंड कंडक्टिंग वायर से अटैच करने का इफ़ेक्ट क्या होगा ये जो दोनों चार्ज हैं इस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि दोनों पे इक्वल चार्ज आ जा जाए क्यों बिकॉज कंडक्टिंग वायर से अटैच करने का मतलब कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया सेम हो गया और आइडेंटिकल स्वेयर्स हैं मेटालिक स्वेयर्स हैं सेम पोटेंशियल मीनिंग सेम चार्ज ऑन दिस सर्फेस तो टोटल तो चार्ज कितना है प्लस टू क्यू माइनस क्यू तो टोटल तो चार्ज क्यू तो फाइनल चार्ज कितना होगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू तो फाइन अब इसको हमने क्या कर दिया रिमूव कर दिया वायर को तो अब वायर को रिमूव कर दिया तो अब फोर्स कितना होगा के टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई फोर टाइम्स आर स्क्वायर ये हो गया आपका फाइनल फोर्स तो ये फाइनल फोर्स ये इनिशियल फोर्स डिवाइड कर दो ये कितना है भाई ये आपका ट्वाइस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस में इसको इससे डिवाइड करो क्या आ जाएगा एफ वन बाई एफ टू क्या है, पूछ रहे हैं ये द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम विल नाउ बी सो मैग्नीट्यूड केवल है तो यहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है सो एफ वन बाई एफ टू हो जाएगा आपका कितना वन नो एफ वन बाई एफ टू हो जाएगा एट बाई वन सो आप लिख सकते हो कि एफ टू इज नथिंग बट एफ वन बाई एट So the final charge is 1 by 8 times of initial charge. F2 equals F by 8, which is option number fourth, is the correct choice. Let us talk about question number 23. Question number 23. What is question number 23? Two charges minus Q and 9Q are placed at a separation of 3 meters. TK okay, यहां पे आपका कितना है नाइन क्यू प्लस और यहां पे क्या है माइनस क्यू दे आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ थ्री मीटर वेयर शुड अचार्ज स्मॉल क्यू बी प्लेस सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो नाउ अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट चार्ज है अपोजिट चार्ज ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है तो बीच में तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं और हो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा तो फोर्स जीरो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है बट ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड है तो ग्रेटर मैग्नीट्यूड के पास में तो फील्ड जीरो होगा नहीं तो फील्ड यहाँ पे मान लो जीरो होगा तो लेट अस अज्यूम दैट फील्ड विल बी ज़ीरो एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द माइनस क्यू एंड फील्ड जीरो हो जाए तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा तो क्या लिखे लेटेस्ट से कि यहां पे क्यू चार्ज रख दिया ना वॉट इज द फोर्स फोर्स विल बी के टाइम्स माइनस क्यू टाइम्स स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स क्यू टाइम्स नाइन क्यू डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर थ्री प्लस एक्स स्क्वायर टोटल इक्वल जीरो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू विल कैंसिल आउट यू विल गेट माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस नाइन टाइम्स के तो कैंसिल हो चुका है डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो सो थ्री डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स इक्वल्स वन बाई एक्स लाइक दिस थ्री एक्स विल बी इक्वल टू थ्री प्लस एक्स सो एक्स इक्वल्स टू थ्री बाई टू सो एक्स आपका कितना है एक्स आपका वन पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम माइनस क्यू आपका कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर टू इज योर करेक्ट चॉइस वेरी इजी क्वेश्चन जस्ट आपको फील्ड जीरो कर देनी है फील्ड जीरो है तो फोर्स जीरो है तो फील्ड इज फोर्स इज नथिंग बट फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज That way okay, next question is your question number 24. Okay, let's try to solve question number 24. Question number 24, as shown in the figure, charges are placed in a regular hexagon. Okay, there is a regular hexagon, let us try to draw a regular hexagon. And that is good enough regular hexagon here it is 3q here it is minus 2q here it is q here it is 6q here it is 5q and here it is 4q like this now we have to find the field the magnitude of net force on the charge q placed at the center of hexagon so, here it is center of hexagon. Here, minus small q is the charge placed. Now, this 3q and 6q are diagonally opposite. So, 3q will cancel the effect of 3q here. So, remove this 3q and replace this 6q with 3q like this. Same is the case with this. So, if I replace this minus 2q with 7q here then there will be no effect on the force so it will be same here 4q here q q replace here 3q like this now i can find so here force due to this will be in this direction no repulsion like this so magnitude net force on the charge q placed at the center of the hexagon okay and force due to this will be in this direction and this force will be in this direction now remember, this is also 3q, this is also 3q, this is the same, this is the same, and this angle will be 120 because it is a regular hexagon, 1 will be 60, 60 to 120. So, what will be the total force? Total force will be k times 3q times q divided by this side is a, so a square now this is also same this is also force same and they are at an angle of 120 degree to each other so if two forces are at an angle of 120 degree to each other like this and they have equal magnitude then their summation is same magnitude f at an angle of 60 degree with the first so here this is this is same 120 degree so, this will be direction. So, multiplied by same 1. Now, which direction? This direction. Now. Or you can write like this 2 times cos 60 component. So, this is the force due to this 3q and this 3q. Remains the force due to this. What is the force due to this? k times 7q times q divided by a square. So here 2 times cos 60 is 1. So 3k capital Q small q by a square, 7k capital Q small q by a square. Total is how much? Total is 10 times cap k capital Q small q divided by a square, where a is the side of your hexagon. So that will be your answer. Answer option number 1 is your correct choice. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में क्या दिया हुआ है फॉर इंश्योरिंग यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है फॉर इंश्योरिंग द डिसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी इन ऑल द थ्री रजिस्टर्स आर वन आर टू एंड आर थ्री कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर देयर वैल्यू मस्ट बी ट्रीट एन एज नाउ हीटिंग पे बेस्ड हियर करेंट इज आई एंड इफ द करेंट इज आई and let us say here current is i2 here current is i3 and energy dissipation should be same in all the three cases then power should be same so i square r1 must be equal to i2 square r2 must be equal to i3 square r3 like this now for ensuring the same energy in all the three registers connected and shown in the figure their values must be related as नाउ ऑप्शंस देखते हैं ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है कि आर वन इक्वल्स आर टू इक्वल्स आर थ्री इफ आर वन इक्वल्स आर टू इक्वल्स आर थ्री देन आई टू विल बी इक्वल टू आई वन बाई टू आई थ्री विल बी इक्वल टू आई वन बाई टू एंड इफ द रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम बट द करेंट बिकम्स हाफ देन द एनर्जी डिसिपेटेड कैन नॉट बी सेम सो ऑप्शन नंबर वन इज रॉन्ग वॉट अबाउट ऑप्शन नंबर टू R2 equals R3. If R2 equals R 3, then I2 will be equal to I3. Then energy in I2 I3 will be R 2 I3 will be same. But then R1. R1 is written as 4 times R2. So what will be energy dissipated? I I will be equal to twice of I2. So energy dissipated will become 16 times so option number b is also wrong what about option number 3 option number 3 is given that r2 equals r3 and r1 equals r2 by 4 if r2 if r2 is equal to r3 then you can write i2 equals i3 equals i by 2 like this what is the energy dissipated in r2 I by 2 square times equal, so let us write that R times R. This is energy dissipated which is I square R divided by 4. And if this has to be same as I square R1, then obviously R1 equals to R by 4. So R1 equals R2 by 4 or R1 equals R3 by 4, both is equal because R2 equals R3 so that way your option number third is the correct choice that if heat dissipated in all the three registers is same then what should be the relation R2 must be equal to R3 and R1 should be equal to R2 by 4 or R3 by 4 option number three is the correct choice next question is question number 26 here also there is a diagram if power dissipated in the circuit is 150 watt then the value of r is total power and if you pay attention both of these resistors are directly connected to your battery so power can be written as what 15 square divided by r plus 15 square divided by r because both of them are directly connected to your battery so that way so this total is given as 150 so this is 225 so 225 multiplied by 2 divided by 150 is equals to r so 225 is 15 square so 15 10 5 3 so r equals 3 ohm your option number 2 is the correct choice very easy question next question number 27 n identical bulbs each designed to draw a power p from a certain voltage are joined in series across the supply the total power which they will draw is so let us write that power p is equals to v square divided by r like this so what will be r r will be equal to v square by p and if they are connected in series then what will be R total? R total will be n times R, which is equal to n times V square by P. This is R total. And if this this is R total, what is new power? Power dash. Now still across the series potential is same. So potential is same. So V square divided by R total. What is R total? This much. So, V square divided by n times V square divided by P. So, upward P, V square, V square cancel. P dash equals P by n. So, new power is half 1 by n times original power. Meaning, when you add multiple bulbs of same power, in series and you do not increase the potential if you keep the potential difference same supply same then actually your power consumption goes down power consumption does not increases power consumption decreases so p dash will be p by n which is option number 2 is the correct choice let us solve next question that is your question number 28 Question number twenty-eight is in the circuit shown in the figure. The heat produced in five ohm resistance here it is five ohm is produced in five ohm resistance due to current flowing in it is ten calorie per second. The heat produced in four ohm resistance is okay. So here let us say that current is I. If this is current I, then what would be the current here? The potential difference should be same so potential across these two points should remain same so here it is 5 times i and here it is 10 ohm so here your current will be i by 2 like this so if the heat produced in 5 ohm is your 10 calorie per second so i square times 5 which is in joule but let us write that equivalent to 10 calorie we do not need to convert and what about here? Here it will be I by 2 square times 4. That will be equivalent to how? I square divided by 4, 4. I. I square. So if 5 I square is 10, then I square will be equivalent to 2 calorie per second. So heat produced in 4 ohm resistance will be how much? 2 calorie per second now here i square r will be in joule but since final answer also i have to write in calorie only you need not convert that into joule there is no option so your answer will be option number 2 2 calorie per second is the correct choice let us all next question that is your question number 29 what is question number 29 a heater boils 1 kg of water in time t1 सो लेटस से एनर्जी रिक्वायर्ड इज क्यू सो क्यू इज द क्यू चार्ज भी लिखते हैं बट एनर्जी रिक्वायर्ड सो हीटर प्रोड्यूज इज वन के जी ऑफ वाटर हीटर बॉयल्स वन के जी ऑफ वाटर इन टाइम टी अनदर हीटर बॉयल्ज द सेम वाटर इन टाइम टी टू इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज द कॉम्बिनेशन विल बॉयल द सेम वाटर इन टाइम नाउ रिमेंबर हीटर को हम किधर ऐड करते हैं हीटर को हम पावर सप्लाई के क्रॉस ऐड करते हैं तो Q विल बी रिटर्न एज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ़ द हीटर टाइम्स T टाइम्स T वन नाउ अनदर हीटर बॉयल्स द सेम वाटर इन टाइम T टू सो सेम वाटर तो सेम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड सो Q विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू आर वन एंड टी टू लाइक दिस इफ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा उनका रेजिस्टेंस एड हो जाएगा तो आर वन प्लस आर टू विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर टी वन डिवाइडेड बाई क्यू प्लस वी स्क्वायर टी टू डिवाइडेड बाई क्यू नाउ यह हो गया आर वन प्लस आर टू अब आपका अनदर हीटर अब कितना टाइम लगेगा सो क्यू विल बी इक्वल टू सप्लाई तो सेम रहेगी पावर सोर्स सेम रहता है तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू टाइम्स टी टी टाइम हमको टी की वैल्यू निकालनी है आर वन प्लस आर टू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो भाई क्या होगा वी स्क्वायर बाई क्यू कॉमन टी वन प्लस टी टू सो क्यू विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई V square by Q T1 plus T2 times T. V square, V square cancel, Q will be upward, Q cancel. So, T will be equal to T1 plus T2. Meaning, if you have two heaters, if you have two heaters and you want to boil the water quickly, and what you did is you connected both the heater in series. And then you started boiling the water, same amount. In initially one kg, finally also one kg. Then instead of taking less time, they will actually take more time. So don't do that. Do not use the heater in series if you want to use the work quickly. Now question number thirty. Question number thirty says: Two heater wires of equal length are first connected in series. देन इन पैरलर द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस इज सो वेनेवर जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका है कि हीटर को सीरीज और पैरलर में कनेक्ट कर रहे हैं कैसे भी कर रहे हैं रिम्बर आप जब हीटर को लगाते हो आपका पावर जो वोल्टेज सप्लाई होगा ये वी वी विल रिमेन सेम वोल्टेज सप्लाई विल रिमेन सेम सो यू विल यूज वी स्क्वायर टी वी स्क्वायर बाई आर टाइम्स टी दैट फार्मूला डू नॉट यूज आई स्क्वायर आर टाइम टी बिकॉज ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारा वोल्टेज सेम हो और यहाँ पे जो पावर सोर्स है उसका वोल्टेज सेम है घर में जो सॉकेट होते हैं वोल्टेज सेम रहता है सो हम वी स्क्वायर बाई आर टाइम्स टी यूज कर रहे हैं सो so, पहले हमने उसको सीरीज में कनेक्ट किया देन पैलन में कनेक्ट किया सो टू हीटर वायरस ऑफ इक्वल लेंथ सो दोनों का रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं सो इनिशियली पावर क्या होगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट आर पावर वन पावर टू क्या होगा जब पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा सो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बाय टू ये पावर टू हो गया देन द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन बी कैंसिल दैट विल बी वन बाई टू ये होगा टू सो वन बाई फोर सो सीरीज And parallel connection, this is your uh, no parallel. Let us write that as twice of R. So you can say P2 will be equal to P1 times 4. So if you connect two heaters in series and then you connect two heaters in parallel, then power produced in parallel P2 will be 4 times power produced in series so if you want to boil the water faster connect your heaters in parallel not in series so option number 4th is your correct choice in this case okay next is question number 31 very easy questions are question number 31 an electric bulb is treated or not treated rated rated 220 volt and 100 watt meaning power is equal to v square by r so if i supply 220 volt then it will give me 100 watt power consumed by it when operated on 110 volt so power dash will be equal to what resistance remains same v dash square divided by r and v dash is nothing but v by 2 so v square by 4r विच इज न थ बट पावर बाई फोर्थ सो इन इन योर होम्स जब लाइट आपकी जल रही है और आपने क्या किया जब कभी कभी आप देखते हो कि अचानक से बल्ब वेरी डिम जलने लगता है तो क्या होता है उसका पावर वोल्टेज सप्लाई कम हो जाता है तो वोल्टेज सप्लाई को आपने हाफ कर दिया तो पावर कितना हो जाएगा वन बाई फोर्थ हो जाएगा क्योंकि पीज प्रपोर्शनल टू वी स्क्वायर सो इफ वोल्टेज सप्लाई बिकम्स हाफ resistance becomes same then power becomes 1 by 4th. so initial power is 100 then final power will be 25 so 25 watt so finally power is 25 watt that is option number 4th is your correct choice let us solve next question that is your question number 33 in question number 33 it is given a ring is made up of a wire having resistance r not equals 12 so here is a ring total resistance of the wire is 12 find the points a and b as shown in the figure at which a current carrying conductor should be connected so that the resistance r of the sub circuit between these points is equal to 8 by 3 ohm now this total resistance is 12 ohm so let us say that here resistance is r1 here resistance is r2 so, R1 plus R2 is equal to 12 ohm. Now, now, if the current is entering like this and exiting from here, then this R1 and this R2 are connected in series. No, then R1 and R2 are connected in parallel. So, what I can say parallel connection equivalent will be R1 R2 divided by R1 plus R2 like this. And this is total equivalent given as 8 by 3 like this. And R1 plus R2 is 12, we already know. And if I solve that, I will get R1 R2 equals 8, not 82, 32. R1 R2 equals 32. 8 into 12 divided by 3, that is 32. Now, so R1 plus R2 is equal to 12 ohm and r1 r2 is equal to 32 ohm if i solve that i will get r1 equals 8 ohm r1 is smaller so r1 let us write that as 4 ohm r1 4 r2 8 like this because r1 is the smaller length r2 is the bigger length now i know that that r1 you know that r1 will be proportional to l1 and r2 will be proportional to l2 so, here I can write R1 by R2 equals L1 by L2 equals 1 by 2. So, length L1 by L2, this is the L1 length between A and B, and here it is L2 length. So, L1 by L2 will be 1 by 2, that is option number 2 is the correct choice. Next is question number 34. In the circuit shown, cells A and B have negligible resistance. For VA equals 12 volt, here it is VA, battery to be 12 volt, R1 equals 500 ohm and resistance equals to 100 ohm. The galvanometer shows no deflection, the value of VB is. If the galvanometer shows no deflection, then the value across this resistance should potential difference across this should be equal to potential difference of this battery, EMF of the battery. Now it is given that cells are ideal, so no problem. Now, since the galvanometer shows no deflection, then there is no current flowing through this circuit. So, if the current here is I, here it will also be I, and here it will also be I. The current I may be written as I equals 12 divided by 500 plus 100, 600. So, 12 volt divided by 600, that is 1 by 50 ampere so current flowing in the circuit is 1 by 50 if the 1 by 50 is flowing then what is the potential difference across this resistance r 1 by 50 multiplied by 100 which is how much 2 volt so potential difference across this resistance is 2 volt and if there is no current flowing through galvanometer then potential of this battery should also be 2 volt so vb will be equal to 2 volt which is option number Fourth is the correct choice. Now, next is question number 35. What is question number 35? Now, here it is a diagram. Question number 35 says that two cells with same EMF E and different internal resistance R1 and R2 are connected in series to an external resistance R. So, here there are two cells, same EMF but different internal resistance connected in series. And then connected to an external resistance R like this. Now, the value of R so that potential difference across the first cell to be 0. So, what is the value of R such that potential difference across this cell is 0? Now, what is the potential difference across the cell? EMF minus I times internal resistance. That is the potential difference, and this should be 0. So, EMF E should be equal to current times resistance. What would be the current? Current would be 2 times EMF because total EMF will be twice E divided by R1 plus R2 plus R. This is current times internal resistance of first R1 like this. So, E, E cancel. So, R. Plus R1 plus R2 is equal to twice of R1. 1 R1 cancel. So R1 minus R2 is equal to R. So if the potential difference across the first cell to be 0, then this R must be equal to R1 minus R2, which is your option number. Third is the correct choice here. Next is question number 36. What is question number 36? Under what condition current passing through a resistance R, here it is the circuit, current passing through a resistance R can be increased by short circuiting the battery of EMF E2. If I short circuit second, let us say that this is EMF E1, this is E2, by short circuiting battery of EMF E2, the internal resistance of two batteries are R1 and R2. Now what is the current in this case? Current in this case may be written as E1 plus E2 divided by because this is a series connection divided by R1 plus R2 plus R. This is the current. And if I short circuit this battery, then what is the meaning of short circuiting the battery? Meaning potential will be removed, resistance will be removed like this. Now, what is the current now? now the current is e1 divided by r1 plus r and what they are saying if i short circuit the second battery then my current should increase meaning if i just remove the second battery then current should increase then this should be greater like this what is the condition here here you can solve it like this e1 times r1 plus e2 times r1 plus E1 times R plus E2 times R. That should be less than E1 times this. E1 times R1 plus R2 plus R like this. Now E1R1, E1R1 will cancel out. E1R, E1R will cancel out. What will be left? E2 times R1 plus here. E2 times R that should be less than E1 times R2, or you can also write this as E1 R2 should be greater than E2 common R1 plus R. So, if this condition satisfies, then upon removing the second battery or short circuiting the second battery, your current through the resistance will increase so this is the your condition even here it is small r 2 not capillary r 2 e 1 times r 2 is should be greater than e 2 times r 1 plus r that is your option number 2 is the correct choice very easy question next is question number 37 this one what is question number 37 n identical cells are joined in series with two cells a and b with reversed polarities meaning i have an identical cell i am joining them in series but out of the n two of them are connected in reverse polarities then what should be the total emf across this total emf should be now n times e but since two of them are connected in series, reverse polarities, these two will cancel out another two. So, total four batteries will be neutralized. So, total will be NE minus four times E. So, E times N minus four. That is the total EMF across your this battery pack. Now, EMF of each cell is E and internal resistance is R. So, total re internal resistance will be R total will be equal to n times r because reversing the polarities resistance does not change there is no polarity for resistance so total resistance will remain same n times r now potential difference across the cells a or b is now it is given that n is greater than 4 if n is greater than 4 then the total current will flow like this in this direction so let us talk about battery a for battery a Current is flowing for inside higher potential to lower, meaning your battery A is being charged. Generally, when the battery discharges, inside the battery current flows from lower to higher. But here, inside the battery, current is flowing from higher to lower. Meaning, for battery A, what is the EMF? For battery A, in this case, EMF will be E plus i times r not minus because the current is flowing in the opposite direction so so e plus ir so e plus what is current here current is here total emf divided by total resistance so e times n minus 4 divided by n times r multiplied by small r ir so r to r cancel e take common so e common 1 plus n minus 4 divided by n so n minus 4 divided by n is 1 minus 4 by n take 2 common twice of e 1 minus 2 by n so that is your total emf across the battery a e a total potential across battery a or b because both are same so total potential across battery a or b will be your twice of e1 2 by n now remember this will only work when number of cells is greater than 4 if number of cells is less than 4 then the current will be in the reverse order then your here it will be e minus a by 4 okay so your option number 4th is the correct choice in question number 37 let us solve next question. That is your question number 38. In question number 38, there is a diagram. In the circuit shown here, the readings of the emitter and voltmeter are. Here it is an emitter connected, here it is a voltmeter connected. The resistance of voltmeter is 10 ohm. Now, if you pay attention, voltmeter is directly connected across the cell so no matter what is the internal resistance of the voltmeter since it is directly connected across the 6 volt battery reading of the voltmeter will be 6 volt that is okay now what about a for ammeter we will take this circuit here if i remove this like this so that is circuit so current through the ammeter will be how much 6 volt divided by 6 plus 4 10 ohm so 6 divided by 10 that is 0 0.6 ampere. So, reading of the emitter will be 0 0.6 ampere. So, option number 2 that is, reading of the em emitter is 0 0.6 ampere and reading of the voltmeter is 6 volt, that is the correct choice. Very easy question. Question number 39 based on your potentiometer. So, here I have drawn a potentiometer for a cell of EMF 2 volt. The balance is obtained for 50 centimeter of potentiometer wire. So here, cell of EMF 2 volt and internal resistance are. Now at balance point there is no current. And if there is no current, then the resistor is meaningless. There is no internal resistance used if there is no current. So balance is obtained at 50 centimeter. So if the balance is obtained at 50 centimeter, then what I can say? What should be the EMF of this? So, 2 volt is 50 centimeter and total is potentiometer wire that is 100 centimeter. So, 50 is 2 volt, 100 is 4 volt. So, this is 4 volt like this, or you can write like this EMF E divided by total length L will be equal to 2 divided by 50 centimeter, where L is what? L is 100 centimeter. Like this, so from here you get EMF is what four volt. This is four volt. Now, now what they are saying is, if the cell is shunted, if the cell is shunted by a two ohm resistor and the balance is obtained across forty centimeter of the bar, then the internal resistance of the cell is. Meaning, I connected here a resistor of how much? Resistor is given as 2 ohm. If I connected a 2 ohm here, now the balance is obtained as 40 centimeter. Now, if 2 ohm is here, now remember, if 2 ohm I centred like this, then there will be current through here. There will be no current from here, but the current in this small circuit will move. What is that current? That current will be I will be equal to 2 divided by 2 plus smaller so 2 divided by 2 plus small r this now if that is the true then what should be the potential across 2 ohm potential across 2 ohm should be 2 divided by 2 plus r multiplied by 2 correct and that should be 4 by 2 plus r now since there is no current no deflection in the galvanometer and it is obtained at 40 centimeter then the potential difference across this should be equal to this. What would be that? That would be EMF. EMF was how much? 4 volt. 4 volt divided by 100 centimeter multiplied by 40 centimeter like this. 0, 0 cancel. 16 by 10 is 1.6. So, 1.6. So, 4 into or uh, no 4 equals to so 1.6 multiplied by 2 plus 2 plus r. So 3.2 plus 1.6 r. So 1.6 r equal to 0 0.8. So r equals 0 0.8 divided by 1.6 which is 1 by 2 which is 0 0.5 ohm. So internal resistance of your cell is 0 0.5 so it is very easy question based on your potentiometer so you should remember the concept of potentiometer is that whatever should be the potential difference across this same should be the potential difference across the balance point where you find the that there is no current through the galvanometer why there is no current because potential of these two points are same that way you can solve this question internal resistance of your battery or your cell comes out to be 0.5 ohm, that is option number 2 is the correct choice. Next is your question number 40. What is question number 40? In the adjoining circuit shown, the potential difference between points A and B will be here it is point A, here it is point B. What is the potential difference? Now, if you pay attention, this circuit and this circuit. They both are connected directly across your battery of 2 volt. Then, what should be the current here? Current here should be 2 volt divided by 15 ohm. So, 2 by 15 ampere. And what should be the current across this? 2 by 15 ampere. What is the potential of this point? 2 volt. What is the potential of this point? 0 volt. Now, so, what should be the potential of point A? Potential of point A, VA. VA should be 2 volt minus current times resistance 5. So, 2 by 15 multiplied by 5, which is 2 by 3. So, 2 minus 2 by 3, which is 4 by 3. So, potential of VA, point A is 4 by 3. Now, what about potential of B, VB? VB will be how much? 2 volt minus of current times 10. So, 2 minus 2 by 15 times 10. So, that will be 4 by 3. So, 2 minus 4 by 3 will be 2 by 3. So, VB equals 2 by 3 volt. So, potential of A is 4 by 3 volt, potential of B is 2 by 3 volt. And what would be the potential difference between A and B? So Va minus Vb is equal to 2 by 3 volt. Very easy. What I you have to do is pay attention that this circuit and this circuit they are directly connected across your belt tree of 2 volt EMF. So your answer is third option: 2 by 3 volt is correct. Now let us solve next question. That is your question number 41. In question number 41, there is a circuit given the effective resistance between points a and b is here between a and b now in the questions like this it starts from this end now this 3 ohm and this 3 ohm are connected in series so i can remove them remove this 3 and this 3 and add an equivalent add an equivalent 6 now this 6 and this 6 are connected in parallel so if two equal resistance are connected in parallel then resistance is half remove 6 by 2 that is 3 now this 3 and this 3 are an, again connected in series remove add an equivalent 6 now this 6 and this 6 are in parallel remove connect an equivalent 3 now, this 3 and this 3 are connected in series. Again. Again, remove. What you will get? 6. Now, again, very easy. This 6 and this 6 are again in parallel. Again, remove. Remove. 3. Now, this 3 and this 3 are again connected in series. So, 3, 3 remove. 6. Now, this 6 and this 3 are connected in parallel. So, what will be? 6 into 3 divided by 6 plus 3. So, 18 divided by 9 that is 2 ohm. So, equivalent resistance across your points A and B is 2 ohm. So, in the questions like this, start from one end, start applying parallel and series combination, you will get the answer easily. Next is question number 42. The dimensions of a block are one centimeter into one centimeter into hundred centimeter. So here it is a cuboidal block. The dimensions are hundred centimeter, like this. Height is one centimeter. It does not look like to be one centimeter, but assume that it is one. And here it is one centimeter. So dimensions are one into one into hundred if the specific resistance of its material is 3 into 10 to the power minus 7 ohm meter rho value of rho is given as 3 into 10 to the power minus 7 ohm ohm meter now then the resistance between opposite rectangular faces this is your rectangular face so if i take resistance between opposite rectangular face what is the resistance rho times l by area then what would be area this would be area 100 times 1 what would be the length this 1 centimeter would be the length so 3 into 10 to the power minus 7 multiplied by length is 1 centimeter but we have to write in meter so 10 to the power minus 2 divided by area Area is 100 centimeter square, but we have to write in meter square. So 100 into 10 to the power minus 4. So that will be 10 to the power minus 2 meter square. 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 cancel. The answer would be 3 into 10 to the power minus 7 ohm. That is your option number two is correct. In this question, you have to pay attention that which side they are asking. They are they are asking if the then the resistance between opposite rectangular face. Then you have to take area as this. Length as this. Be remember. Now question number 43. Next question is. The resultant resistance value of N resistances. Each of R ohm when connected in parallel is X. If the N resistance each of R is connected in parallel. Then resistance becomes R by N. So, x equals to r divided by n. Now, when these n resistance are connected in series, so when connected in series, they will become n times r like this. Now, n times r may be written as From here, you can write r equals to n times x. So, here I can write that n times nx. So, that will be n square x. So, if in series, if in parallel x equals r by n, then in series total resistance will be n square times x. Meaning resistance in series is n square times resistance in parallel. For example, if I take 4 resistance and I add them once in series, once in parallel. Then series resistance will be 4 to the power 2, 16, 16 times resistance of parallel, like that. So that will be your answer, question number 43, option number 2 is your correct choice. Now let us discuss next question, that is your question number 44. It says that Keshaw's first law is based on law of conservation of. What is Keshaw's first law? charge first law is also known as sometimes that junction law that at a junction if current is flowing like that i one i two and i three then you can write that i 1 plus i two plus i three equals 0. Now this law is based on that any point at any point in your circuit, charge entering the point must be equal to charge leaving the point so keshaw's first rule first law which is also sometimes called a junction law is based on law of conservation of charge that if at a point charge entering is 10 coulomb per second then 10 coulomb charge must also leave that point so that is your law of conservation of charge keshaw's first law that is answer is option number 1 is the correct choice what about question number 45 question number 45 is a wire of resistance r is cut into n equal parts these parts are then connected in parallel the equivalent resistance of combination will be so if r is cut into n equal parts then that will be r by n is the resistance of each part because length becomes 1 by n times and if n of these are connected in parallel, then equivalent will be r by n whole divided by n, that is r by n square. So, total resistance finally will be how much? r by n square, that is option number fourth is the correct choice. Very easy question. So, this was your 13th NEED DT05 paper discussion. We have discussed 45 questions of physics. Except for few questions here and there, most of the questions are pretty easy. If you did not get any question in the first attempt, you can go back and try to solve it again.